वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है हिमाचली व्लॉगर नविता वर्मा। यहाँ आराध्य और यहाँ मुझे रूम में नहीं जाने दे रहा है क्योंकि इन्होंने कुछ अंदर अभी की है, अंदर डेकोरेशन की है और आस्था गई है मार्केट, आस्था और आरवी मार्केट गई है और उन्होंने वॉचमैन को छोड़ा है यहाँ पे जो सिक्योरिटी के लिए। मैं जैसे ही रूम के लिए जाती हूँ ना, ये आगे आ जाता है। ये देखिए, मैं जैसे ही रूम खोलने के लिए जाती हूँ ना वैसे ही आगे आ जाता है कि मुझे जाने नहीं देता है अंदर, कि नहीं मम्मा आपको मना किया है। और आस्था मुझे बोल के गई है, मम्मा अगर अंदर गए ना आप, मेरा मन है लेकिन हाँ बच्चे बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं जाना है। वो अभी गई है कुछ सामान लाने के लिए, केक वगैरह लाने के लिए गई है शायद, मुझे नहीं पता क्यों गई है मार्केट गई। बोला मैं हम मार्केट जा रहे हैं, तो वो मार्केट गए हैं दोनों। और ये उन्होंने अपना भाई छोड़ा है यहाँ पे जो यहाँ पे सिक्योरिटी कर रहा है ताकि रूम में कोई जाए ना। और मैं जैसे ही मैं धीरे धीरे करके जाती हूँ रूम के लिए, वैसे ये फटाफट भाग के चला आता है। जो आराध्य मैं रूम में देखने चलो ना, चलो हम मैं और तू देखते हैं, सिर्फ आस्था को नहीं दिखाएंगे हम, सीक्रेट है हमारा। ठीक है ठीक है ठीक है, मानता नहीं है ये, देखिए यहाँ पे है और ये मानता नहीं है। जाऊँ मैं? नहीं। अब चलो चलो हम चलते हैं दोनों, चलो चलो। और ये देखिए मुझे भी जाने नहीं दे रहा, चलो 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 देखते हैं ना क्या है रूम में। जाऊँ जाऊँ जाऊँ? और ये देखिए कैसे यहाँ रखा है, जैसे ये मुझे रोक लेगा, इसको रखा हुआ है कि मम्मा आप बिल्कुल नहीं जाओगे अंदर, तो मैं जाऊंगी किचन में क्योंकि मेरा काम है किचन में। और मुझे बोल रही थी मम्मा कुछ नहीं बनाना है आज, पता हम आज पैक करवा के लाएंगे, मम्मा आप कुछ नहीं बनाओगे और हम पैक करवा के लाएंगे। लेकिन मैंने अभी राजमा चढ़ाती हूँ, राजमा चावल बनाऊंगी, बाकी उनकी वो पता नहीं क्या लाएंगे, बोल रहे थे हम स्वीट्स लाएंगे, तो बस राजमा चावल बनाऊंगी। और बर्थडे वही है जब सब खुश रहें और सब साथ रहें, वही बर्थडे होता है। लेकिन बच्चों का होता है थोड़ा सा कि इनको शौक है, तो बस अभी मैं राजमा लगा रही हूँ पकने के लिए और फिर देखते हैं साथ में क्या बनाऊंगी। और स्वीट्स वो बोल रहे हम लेके आ जाएंगे या स्वीट्स लाएंगे, अब मुझे पता नहीं क्या लेके आएंगे। और वो देखो ये आ गई है, ये देखिए दोनों आ गई है। और मैं तो रूम भी देख रही हूँ आस्था, हाँ डेकोरेट वाला डेकोरेशन वाला रूम। ये देखिए ये आ चुकी है यहाँ पे दोनों। ये देखिए फटाफट रूम में मुझे दिखाया नहीं इन्होंने। आराध्य बोल रहा है कि नहीं दिखाया, अभी गई थी ये मार्केट और मैं लगा रही हूँ अब राजमा पकने के लिए। ये देखो अब पता नहीं क्या क्या लेके आई है आस्था। क्या लाई? देख लाई लेके आई है। अभी पहुंची है, आओ फिर आओ सारे साथ आओ। ये देखिए ये है मेरी बड़ी मैडम, और यहाँ देखिए ये है मेरी छोटी वाली बिटिया रानी, और यहाँ है हमारा व्लॉगर, तो छोटा व्लॉगर तो साथ ही में था। और यहाँ पे आजा साथ में आजा। तो बस अभी ये देखिए मेरे तीन बच्चे, तीन नहीं दो ही दिख रहे हैं, पीछे आगे करो उसको। मेरे बच्चे आज जल्दी जल्दी क्योंकि ये काम में लगे थे तीनों, और इनके पापा है ऑफिस गए, तो इनको ऐसा है कि हमको मम्मा का बर्थडे करना है। अभी जाऊं मैं आप रूम के अंदर, चलो चलते हैं। तो चलिए फिर मैं जा रही हूँ किचन में और अब बनाती हूँ खाना। तो चलिए अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मा पनीर का पकौड़ा बनाओ, तो ये देखिए मैंने पनीर काट लिया है, इसको करूँगी मैरिनेट अभी थोड़ा सा नमक डाल के। और अभी किचन का पूरा हाल है, वैसे अभी सफाई नहीं की है, मैरिनेट करूँगी इसको थोड़ा सा नमक और मिर्ची डाल के इसको मैरिनेट करके रख दूँगी और साथ में बेसन घोलूँगी और फिर बनाऊँगी पनीर का पकौड़ा और साथ ही में राजमा बनाऊंगी डिनर के लिए, राजमा चावल और स्वीट्स ये लेके आ गए हैं। और पनीर पकौड़ा बनाऊंगी, बस इतना ही बनाएंगे, कुछ ज़्यादा नहीं बनाएंगे, और केक भी है तो फिर अभी ज़्यादा हो जाएगा, तो बस यही बनाएंगे नमकीन में। और ये तो बोल ही रहे थे कब से लेकर कि मम्मा हमने बाहर से पैक करवा के रहेंगे, मैंने कहा नहीं। और यहाँ पे सब्जी भी बची हुई है, दिन की सच में बताऊँ तो सब्जी भी बची हुई है और राजमा भी। हाँ शाही पनीर बनाना है, शाही पनीर बना रहा है, तो शाही पनीर बन जाएगा उसका।
बनाना है, मन नहीं है ना खाने का। हाँ राजमा मैंने करके रखे, इनकी आज चॉइसेस ही चेंज हो जा रही, कभी बोल रहे राजमा बनाओ, कभी बोल रहे शाही पनीर बनाओ, तो मैं बनाऊंगी पनीर का पकौड़ा अभी, और साथ ही मैं राजमा मैंने पकने के लिए लगाए हैं, और साथ में राजमा और चावल बनाऊंगी, और केक भी है, स्वीट भी है, तो ज़्यादा कुछ खाएंगे नहीं बच्चे। और अभी बताऊँ तो अभी भी ये बैठे हैं बाहर, ये देखिए तीनों बैठे हैं और खा रहे हैं अभी भी बैठ के, अभी भी बैठ के खाना खा रहे हैं, तो बस इनका मूड होता है तो अब ये खा रहे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, अब बर्थडे अपना हो चाहे किसका हो, बनाना तो खुद ही पड़ता है। तो चलिए फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। अब चलिए आप, मैं जो पनीर का पकौड़ा बना रही हूँ उसके लिए बना रही हूँ, जो मैं बैटर घोल बना रही हूँ उसके लिए। तो इसके लिए मैंने बेसन, अजवाइन और लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, हल्का सा दरदरा कुटा हुआ है, जीरा और हल्दी वगैरह, नमक, सारे मसाले मैं इसमें मिक्स कर लूँगी और एक अच्छा सा थिक सा बैटर बना लूँगी जिसमें पनीर को हमने डिप करना है। और ये देखिए अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है, और अब कर दूँगी इसमें मैं पानी ऐड, और आप इसको घोलते रहिए जितना आपको पानी चाहिए। थिक सा बैटर आपको बनाना है, ज़्यादा लिक्विड नहीं बनाना है। और ये देखिए इस तरह से मैंने इसका जो बैटर है ये इतना थिक होना चाहिए। तो अब ये देखिए ये पनीर मैंने मैरिनेट करके रखा था पहले से ही, इसमें हल्का सा तेल नमक डाल दिया था इसको मैरिनेट करने के लिए। और चलिए अब बनाते हैं। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये पनीर पकौड़ा बनाना, और ये मैंने मैरिनेट कर लिए थे और बेसन का घोल भी बना लिया था साथ में। तो अब मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं पनीर, और साथ में तेल भी गर्म कर लिया है कढ़ाई में, और यहाँ पे रख दिए हैं मैंने टिश्यू पेपर ताकि जो भी एक्सेस ऑयल होगा वो निकल जाए। तो बस अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ बनाना, और तो बस अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और इनको बहुत जल्दी लगी है, मुझे रूम में नहीं जाने दे रही है, इन्होंने डेकोरेशन करके रखी है और जल्दी की खराब करके हफ्ते क्या खराब किया ये क्या पॉइंट इसका किसका पॉइंट तो अब देखिए जो पनीर के पीसेस है वो डाल दिए हैं मैंने इसी बैटर के अंदर, और अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। और अपने हाथ की हेल्प से ही इसमें तेल गर्म हो चुका है, सर मस्टर्ड ऑयल मैंने लिया है कढ़ाई में, तो उसमें मैं डाल रही हूँ। सिंपल है, बहुत इजी है बनाने, पर कभी कभी बच्चों का मन होता है तो मैंने बना दिए, उनका मन था कि हाँ हम आज यही बनाएंगे। तो चलिए फिर बस मैं फटाफट सारे जो जितने भी पकौड़े हैं वो बना लेती हूँ, जितना मेरे पास बेसन और पनीर है मैं बना लेती हूँ फटाफट। अब मैं हो चुकी हूँ रेडी बर्थडे के लिए,
बच्चों ने कहा कि मम्मा आप रेडी हो जाओ, हमको एनवेल खुली है अभी ऐसी रखी हुई, तो हमको केक कटिंग करनी है, मम्मा आप अच्छे वाले कपड़े पहन के आओ, बंधन के आओ। तो अभी हूँ तो तैयार, लेकिन इन्होंने अभी तक मुझे रूम दिखाया नहीं है कि इन्होंने क्या डेकोरेशन करके रखी है अंदर। तो बस अभी नीर पकौड़े बनाए मैंने, और साथ में स्वीट्स भी है, केक भी है, और राजमा चावल भी बने हैं। जिसको जो खाना होगा वो खाएगा। तो हस्बैंड अभी तक आए नहीं हैं और टाइम लगभग 8 बज चुके हैं, हम कब से वेट कर रहे हैं उनका, वो अभी आए नहीं हैं, बस आने वाले हैं अभी। तो फिर केक कटिंग होगी और फिर उसके बाद खाना खुना होगा जो भी, और बच्चों की फरमाइश है कि मम्मा रेडी हो के आओ। तो बस अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और पतिदेव का इंतज़ार हो रहा है, आज भी वो इंतज़ार करवा रहे हैं। तो बस अभी जा रहे हैं, अभी हम देखती हूँ क्या उन्होंने डेकोरेशन की है। बच्चे हैं ऐसे खुश हुए ना, बच्चों के लिए करना पड़ता है, और अपने लिए नहीं तो बच्चों के लिए करना पड़ता है, क्योंकि जो बच्चे बोले तो उनकी खुशी के लिए सब कुछ करना पड़ता है। बल्कि मुझे इतना शौक़ नहीं था, इतना इंटरेस्ट नहीं था कि हाँ बर्थडे वर्थडे चलो ठीक है, लेकिन बच्चे हैं तो करना पड़ता है। तो बस अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ और अब हम जा रहे हैं रूम के अंदर। जैसे ही हस्बैंड आएंगे वैसे ही रूम के अंदर जाएंगे, देखते हैं उन्होंने क्या 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 करके रखा है, अभी देखते हैं। तो पूरा डेकोरेशन हो चुका है, देखते हैं चलो मम्मा को ये कैसा लगेगा। हमने अपने हिसाब से तो काफ़ी किया है, बाकी देखते हैं। वाओ Thank you. तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक। अब इससे आगे वाली वीडियो डालूंगी मैं कल, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।